दो चीजें जिंदगी में अहम होती हैं, एक मजहब अहम होता है, एक सियासत अहम होती है। इसलिए कि सियासत पे लॉ एंड ऑर्डर का अनुसार है, इकोनॉमी के अनुसार है और इज्तमाही जिंदगी के अनुसार, दोनों चीजों को हमने जाहिलों और गुंडों पे छोड़ दिया। यानी जब आपको एक मजहबी मसला दरपेश होता है जो आप आसानी से देख सकते हैं रेफरेंस बुक में, तो खुद भी समझ सकते हैं, आप उस मौलवी के पास जाते हैं जिसको दुनिया का पता ही कुछ नहीं, जो एक बेचारा छोटे से मदरसे से पढ़ के आया है, जो ये समझता है कि जो मेरा उस्ताद कहे वही सब कुछ है, जिसको कुरान का पता नहीं, जिसको हदीस का पता नहीं, जिसको सीरत का पता नहीं, जिसको अपनी कंटेम्परेरी दुनिया का पता नहीं, जिसकी पास कोई इल्म ही नहीं है, जो जिंदगी को समझता नहीं। मैंने ये कहा कि हमने माशरे को छोड़ दिया है। देखिये, दो अहम चीजें हैं, मजहब और सियासत, दोनों को हमने बहुत मामूली बात सूरत में घटिया लोगों पर छोड़ दिया है। ये माशरा जो खुए गुलामी का मारा हुआ है, अदम तहफ़ फिर इसी से पैदा होता है।